अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अलिंजा कारतरू साहब के बिछाए हुए जाल की तरफ आ गया था और उस लेटे हुए आदमी को सुल्तान के काऊ समझ रहा था। इस किस्त के आगाज़ में अलिंजा कहता है, यह मेरे आदमियों की मौत का हिसाब देगा। यह कहकर वो आगे बढ़ता है। इस तरह आर्थर साहब उसकी गर्दन पर खंजर रख देते हैं और फिर कहते हैं, इन पहाड़ों में शिकार और शिकारी दोनों मौजूद हैं। एक लम्हा पहले तुम शिकारी थे और अब तुम शिकार हो। फिर आर्थर साहब उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अपने सिपाहियों को कहो कि हथियार फेंक दें। अलिंजाक अपने सिपाहियों को कहता है, इन सब को मार दो, लेकिन सबसे पहले मुझे मार दो। मैं दुश्मन का कैदी बनने की बजाय मरना पसंद करूंगा। यह सुनकर मंगोल सिपाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में आर्थर साहब के छुपे हुए सिपाही भी सामने आ जाते हैं। इस तरह अलिंजा के अलावा सब मंगोल मारे जाते हैं। आर्थर साहब के सिपाही उसे घेरे में ले लेते हैं। फिर अलिंजा कहता है, यह खेल आज ही खत्म होगा, हम में से कोई एक आज मरेगा। आर्थर साहब कहते हैं, तो आओ फिर गलीज कुत्ते। दूसरी तरफ गाय की बीले में बामसी और अफसा अपने खेमे में मौजूद थे। अफसा उठकर बामसी के पास आ जाती है और कहती है, बामसी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझ में मजीद सब्र नहीं रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बामसी कहता है, मैं एक काई हूँ अफसा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। अफसा कहती है, मैंने बहुत सोचा है बामसी, आप इतनी जल्दी इनकार मत करो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, निकाया में मेरा ख़ानदान मौजूद है। बामसी कहता है, मैं निकाया में क्या करूँगा, मैं सिपाही बनने के अलावा कुछ भी नहीं जानता। अफसा कहती है, पहले हमें जाना चाहिए, फिर हम कोई हल निकाल लेंगे। बामसी कहता है, अर्थर साहब मुझे अहदे से हटा सकते हैं अफसा, इसका मतलब यह नहीं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे तमाम भाई और दोस्त इस कबीले में हैं, मैं इस कबीले में पैदा हुआ था। मेरी बात याद रखना अफसा, काई कबीले का नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है और मैं इसे नहीं मिटा सकता, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। यह सुनकर अफसा कहती है, आप कबीले से प्यार करते हो, लेकिन कबीला हमें नहीं चाहता। आइबर्स ने उस रात हमारी बातें सुन ली थीं और सावजी से बात की थी, सावजी उस पर हमला करने वाला था। सलजान भी मेरे पीछे पड़ी हुई है और अब आपको भी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। ये वाजह है कि हम उन पर बोझ बन गए हैं, इससे पहले कि चीज़ें मजीद ख़राब हों हमें निकाया की तरफ चले जाना चाहिए। यह सुनकर बामसी कोई जवाब नहीं देता और सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब आर्थर साहब और अलिंजा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह आर्थर साहब उसकी गर्दन पर खंजर रख देते हैं। अलिंजा कहता है, मार दो मुझे, तुम क्या इंतज़ार कर रहे हो। आर्थर साहब कहते हैं, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि अलबास्ती कौन है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अलिंजा। आर्थर साहब उसे ज़ख्मी करके गिरा देते हैं और फिर बुलंद आवाज़ में कहते हैं, जीत उनकी नहीं होती जो जुल्म के रास्ते पर चलते हैं, बल्कि उनकी होती है जो इंसाफ पर चलते हैं। फिर वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद आर्थर साहब अलिंजाक से पूछते हैं, बताओ मुझे अलबास्ती कौन है। अलिंजाक हंसते हुए कहता है, मैं जन्नत से देखूंगा कि अलबास्ती तुम्हारे साथ क्या करता है।
और मैं हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हूँगा अर्तुल। इतने में हमला हो जाता है। बेबौलत अपने आदमियों के साथ उन पर तीर बरसाने लगता है। इतने में बेबौलत और उसके आदमियों पर हमला हो जाता है। सब लोग हैरान थे कि ये कौन है। फिर बेबौलत कहता है, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह कहकर वो सब भागने लगते हैं, जबकि कुछ आदमी भी उनके पीछे लग जाते हैं। अर्तुल साहब भी अपने सिपाहियों को कहते हैं कि इनका पीछा करो। यह सुनकर अर्तुल साहब के सिपाही भी बेबौलत का पीछा करने लगते हैं। इतने में उनको बचाने वाला आदमी करीब आ जाता है। तुर्गुत कहता है, अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं, तुर्गुत रुको ज़रा। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं, कौन हो तुम? यह सुनकर वो आदमी अपना निकाब उतार देता है, जो दरअसल उरानोस था। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेबौलत और उसके आदमी घोड़ों के करीब पहुँच गए थे। बातुर कहता है, सरदार अलिंजाक वहीं है, अगर उसने अपना मुँह खोल दिया तो? बेबौलत कहता है, वो मर चुका है, मैंने उसके दिल में तीर मारा था, उसकी लाश उन्हें रखने दो। इतने में एक आदमी कहता है, सरदार वो आ रहे हैं। यह सुनकर वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। इस तरह बेबौलत भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो द्रेगोस? उरानोस कहता है, मेरा साथी मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझसे तफ्तीश कर रहा है, अगर अभी तुम जिंदा हो तो ये हमारी वजह से है। अर्तुल साहब कहते हैं, इंसान की किस्मत उसे मौत से बचाती है द्रेगोस, पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो। फिर उरानोस के जहन में एक ख्याल आता है, जब उसने एक आदमी को मंगोलों के पीछे भेजा था और फिर उस आदमी ने वापस आकर बताया था कि अलिंजा कमांडर द्रेगोस को भी लड़ाई वाली जगह पर लेकर जा रहा है। यह सुनकर उरानोस ने कहा था, इस तरह तो बेबौलत कमांडर द्रेगोस को भी मार देगा, हमें उन्हें बचाना होगा, चलो बेहतरीन सिपाही तैयार करो। यह कहकर वो रवाना हो गया था। इसके बाद उरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए यह फैसला किया था अर्तुल, मेरे आदमियों ने घंटी वाले का पीछा किया था, तुम्हारी जान उतनी ही कीमती है जितनी कि हमारी। अर्तुल साहब कहते हैं, अगर अलिंजाक तुम्हें देख लेता तो हमारा सारा मंसूबा तबाह हो जाता, अगली बार इस तरह का फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लेना। फिर उरानोस पूछता है, वो आदमी कौन थे जिन्होंने आप पर तीर बरसाए थे? अर्तुल साहब कहते हैं, वो कोई डाकू नहीं थे, जल्द या देर से दोबारा उनसे हमारा सामना होगा। फिर अर्तुल साहब सिपाहियों को कहते हैं, घंटी वाले को फौरन सौगत ले जाओ और उसके जख्म का इलाज करो। यह सुनकर दो सिपाही उसे सहारा देकर ले जाते हैं। फिर अर्तुल साहब उरानोस को कहते हैं, जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने देख लिया है कि अलिंजाक मर चुका है, हमारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, अब तुम के लिए वापस जा सकते हो। यह सुनकर उरानोस और उसके सिपाही वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तुर्गुत कहता है, मुझे इस काफिर के एक भी लफ्ज पर एतबार नहीं है सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, उसने यहाँ आकर अपनी कब्र खुद खोल ली है तुर्गुत। इसके बाद अर्तुल साहब अलिंजाक की धड़कन चेक करके कहते हैं, यह अभी जिंदा है, हम इसे मरने नहीं देंगे, चलो इसे अपनी खुफिया जगह पर लेकर चलते हैं। यह सुनकर सिपाही उसे उठाने लगते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, मरने से पहले यह हमें उस कुत्ते अलबास्ती का असल नाम बताएगा। यह कहकर वो भी चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई की बीले में अफसा अपने बच्चों को बताती है कि मैंने आपके बाबा को यहाँ से निकाया की तरफ जाने को कहा था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। आइबर्स कहता है, तो फिर हम कोनिया चलते हैं, वह एक शहर है, वहाँ मैं तालीम भी हासिल कर सकता हूँ। अफसा कहती है, पता नहीं तुम्हारे बाबा क्या कहेंगे। इतने में बामसी अंदर आकर कहता है, मैं शिकार पर जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ आइबर्स। यह सुनकर आइबर्स अपना तीर कमान उठाकर बामसी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ सौगत में द्रेगोस के जख्म पर पट्टी बांध दी गई थी। फिर द्रेगोस कहता है, मेरा जख्म इतना बुरा नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए, मैंने चर्च में कुछ काम करने हैं। यह कहकर द्रेगोस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुल साहब और उनके सिपाहियों ने भी पट्टियाँ बांध ली थीं। अलिंजाक का तीर निकाल दिया गया था। अर्तुल साहब कहते हैं, इसे मालूमात हासिल करने के लिए इसे जिंदा रखना ज़रूरी है। इतने में अलिंजाक होश में आने लगता है। वो अर्तुल साहब का चेहरा देखकर कहता है, अर्तुल क्या हम दोनों मर गए हैं और जन्नत में आ गए हैं? अर्तुल साहब कहते हैं, अभी नहीं अलिंजाक, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। फिर अर्तुल साहब अब्दुलरहमान को इशारा करते हैं।
अर्तुल साहब उसके जख्म से तीर का सिरा निकालने के लिए खंजर आगे करते हैं, लेकिन अलिंजा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जख्म ठीक नहीं करने दूंगा अर्तुल, मुझे मार दो। अर्तुल साहब सिपाहियों को कहते हैं, इसे पकड़ लो। यह सुनकर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, जब तक तुम सब कुछ हमें नहीं बता देते तब तक तुम नहीं मरोगे अलिंजा। यह कहकर अर्तुल साहब उसके जख्म का इलाज करने लगते हैं। इस तरह अलिंजा का जख्म बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बामसी और आयबर शिकार के लिए जंगल में पहुंच चुके थे। बामसी साथ साथ उसे शिकार करने का तरीका सिखा रहा था। आयबर्स एक परिंदे का निशाना लेकर तीर चलाता है लेकिन नाकाम हो जाता है। इसके बाद आयबर्स कहता है, मैं परिंदे को भी नहीं मार सकता, मैं सिपाही नहीं बन सकता। बामसी कहता है, इतनी जल्दी मत करो बेटा, तुम सीख जाओगे। आयबर्स कहता है, मैं वालिदा की वजह से परेशान हूँ बाबा, आप देख नहीं रहे कि वो अंदर ही अंदर पिघल रही हैं, ना वो यहाँ रहना चाहती हैं और ना मैं और असलेहान। आपने निकाया जाने से इनकार कर दिया तो फिर हम कोनिया चलते हैं, वहाँ मैं तालीम भी हासिल कर सकता हूँ। बामसी कहता है, कोनिया अब वो पुराना वाला कोनिया नहीं रहा बेटा, वहाँ ना कोई निज़ाम है और ना कोई कानून, हमारी किस्मत सौगत में है बेटा, ये जान लो। यह सुनकर आयबर्स नाराजगी का इजहार करता है। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुल साहब कह रहे थे, मैंने खत घंटी वाले को दिए थे कि वो सीधा अलिंजा की तरफ जाए, लेकिन ये वाजह है कि वो पहले किले की तरफ गया था। इसी वजह से उस नकली दरगोश को पता चला कि हम अलिंजा के लिए कहाँ जाल बिछाएंगे, और फिर उसने ये खबर उन हमलावरों को दे दी जिन्होंने हम पर तीर बरसाए थे। अब्दुर्रहमान पूछता है, वो ऐसे हमें धोखा क्यों देगा सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं, वो अलिंजा को मेरे हाथों से मरवाने के बाद हमें भी मारकर सबसे छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन फिर सूरत हाल तब्दील हो गई। मेरे ख्याल में वो घंटी वाले को बचाने के लिए आया था। घंटी वाला हमारी सोच से भी ज्यादा अहम निकला। हम लाजमी पता लगाएंगे कि असल में वो कौन है। मलिक शाह पूछता है, लेकिन वो हम पर हमला करने वाले कौन थे सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं, अलबास्ती, वो किले वालों के साथ मिल गया है। उसने पहले अलिंजा को तीर मारा ताकि वो बोल ना सके। वो अलिंजा को मुर्दा समझकर वहां से भाग गए। अब हर कोई यही समझेगा कि अलिंजा मर चुका है। वक्त आने पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे और अलबास्ती को पकड़ लेंगे। इतने में दुमरल कहता है, मैंने घंटी वाले को आपके कमरे में देखा था सरदार, उसने कहा था कि मैं सफाई के लिए आया हूँ, लेकिन वो कुछ पढ़ रहा था। अर्तुल साहब कहते हैं, तो फिर हम उसे वो देंगे जो वो चाहता है दुमरल। इतने में अलिंजा दोबारा होश में आ जाता है। यह देखकर अर्तुल साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, लाजमी तुम्हें प्यास लगी होगी, यह पियो ताकि तुम्हारी जुबान गीली हो जाए, तुमने हमें बहुत कुछ बताना है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। दरगोश लंगड़ाता हुआ किले में पहुंच गया था। उरानोस पूछता है, क्या आप ठीक हैं हुजूर? दरगोश कहता है, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम एक बेहतरीन जंगजू हो उरानोस। उरानोस कहता है, जब हमें पता चला कि अलिंजा आपको लेकर कहाँ जा रहा है तो हम फौरन हरकत में आ गए, वरना बेबोलत आपको मार देता। दरगोश कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर कहता है, तुमने सही वक्त पर सही काम किया उरानोस। उरानोस पूछता है, अगर अर्तुल को मेरी वहाँ मौजूदगी से शक हो गया तो फिर क्या होगा हुजूर? दरगोश कहता है, तुमने उसे सही बहाना लगाया था, तुमने अर्तुल और उसके सिपाहियों की जान बचाई है, लेकिन हम अर्तुल पर ज़्यादा एतबार नहीं कर सकते, वो चीते की तरह है। हत्ता कि वो खामोश भी हो तो वो सोच रहा होता है कि अपने शिकार को कैसे खाए, लेकिन अगर वो चीता है तो हम लूमड़ी की तरह चालाक हैं। मैं सौगत में देखूंगा कि अर्तुल क्या सोच रहा है, फिर उस हिसाब से हम हरकत में आएंगे। उरानोस पूछता है, और बेबोलत के बारे में क्या ख्याल है? दरगोस कहता है, वो यकीनन तुम पर शक में होगा और बदला लेने के लिए बेचैन होगा। जब वो गुस्से में यहाँ आए तो उसका दिल जीतने की कोशिश करना और उससे एक और चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करना। उरानोस पूछता है, किस चीज़ के बारे में? दरगोस कहता है, अलबास्ती।